गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ द चैप्टर अबाउट योर होम, दिस इज़ अ पोएम अबाउट योर होम. वट टाइप ऑफ होम यू हैव, हाउ मच यू लव योर होम. माई होम, एवरीबडी हैज़ अ होम. यू, योर फ्रेंड, योर टीचर, योर पुलिसमैन, योर प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी, एनिमल्स टू हैव द होम. ईच होम हैज़ अ नेम. नाउ नेम दिस होम. इस घर का क्या नाम है? पार्लियामेंट. वेयर इज इट? दिल्ली. Who lives there? Write her name. और उसका नाम लिखना है. इस बिल्डिंग, इसका नाम, ये कहाँ है, कौन इसमें रहता है और उसका क्या नाम है. I might have a shell. I have been a snail. मेरा शायद एक शेल है, मेरी एक सीप है. And I have been a snail. और मैं एक स्नेल हूँ. Over a white tossing sea. I have been a whale. और मेरा, और in a wide tossing sea, घूमते हुए फड़कते हुए समुंदर में, I have been whale. और मैं एक whale हूँ. I might have lived a busy noisy hive. मैं काफ़ी noisy और hive में रहता हूँ. If I had been a born bee, अगर मैं एक मधुमक्खी पैदा होता हूँ. और अ बनी इन द ब्यूरो, और एक ब्यूरो में रहता अगर एक बनी होता. एंड ईटिंग माई ल्यूटस फॉर माई टी, और अब ल्यूटस के पत्ते खाता मेरी चाय के लिए. आई मे हैव अ कैमल. मेरे पास एक कैमल घर होता. इफ़ आई हैव अ डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता. और अ मड होल इन अ रिवर बैंक. इफ़ आई हैव अ फ्रॉग, और नहीं तो मैं कीचड़ में रहता अगर मैं मेंढक होता. I might have a little bird. I lived in a nest. और मैं एक nest में रहता. But oh, I am glad I am just a child. And I think my home is the best. और मुझे ये लगता है मेरा घर सबसे अच्छा है. I might have lived in a shell. मैं एक shell में रहता. If I am a snail, अगर मैं एक snail होता. Or I great white tossing sea. मैं और इन अ ग्रेट वाइट टॉसिंग सी, मैं बड़े समुंदर में रहता. इफ़ आई हैड बीन अ वेल, अगर मैं एक वेल होता. आई माइट हैव लिव इन अ बिजी हाइव, मैं एक नॉइजी हाइव में रहता. इफ़ आई बोर्न बी, अगर मैं एक मधुमक्खी होता. फॉर अ बनी इन द ब्यूरो, मैं एक बनी होता तो ब्यूरो रहता. ईटिंग द ल्यूटस फॉर माई टी, मैं अपने टी की ल्यूटस को खाता. आई माइट हैव अ कैनल होम, मेरे पास एक कैनल होम होता. इफ़ आई हैव बीन डॉग, अगर मैं कुत्ता होता. और अ मड होल इन द रिवर बैंक, और अगर रिवर के कीचड़ में रहता अगर एक मेंढक होता. आई हैव बीन अ लिटिल बर्ड, मैं एक छोटा पक्षी होता. आई हैव लिव इन अ नेस्ट, अगर मैं एक नेस्ट में रहता. बट ओ, आई एम ग्लैड आई एम जस्ट अ चाइल्ड. आई थिंक माई होम इज़ द बेस्ट, मेरा घर सबसे अच्छा है. यहाँ पे आपने इसके राइमिंग वर्ड लिखने हैं. स्नेल, 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 पुलिस, स्लाइस, वेल, हेल, टी, पी, फ्रॉग, फोग, बाकी तीन आप लिखोगे. और यहाँ पे तीन जानवरों और उनके घर के नाम.